नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और अभी बजे हैं 2:30 और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर पुष विहार में। अभी लास्ट ड्रॉप खानपुर साइड में किया था मैंने, मैन रोड पे ही सवारी को उतारा क्योंकि उनको जाना था देवली साइड, क्योंकि देवली साइड में आपको पता है वहाँ जाने एक सजा हो जाती है क्योंकि वहाँ का ट्रैफिक मतलब वहाँ से कोई कैब वाला जाता भी नहीं है और पैसेंजर जान के भी वहाँ से मतलब अंदर जाना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि कोई ना कोई अंदर की साइड चला जाए। तो मतलब हम लोगों को तो पता है, काफ़ी लोग काफ़ी मेरे ड्राइवर भाई हैं जो फंस जाते हैं उस लोकेशन पे जाके संगम विहार साइड में। तो मैं तो पहले ही बैठाने से पहले ही मैडम को बोल दिया था भाई मैं बाहर उतारूंगा, अगर आप एग्री करते हो तो ही मैं आपको लेकर जाऊंगा, अदरवाइज नहीं तो फिर बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। तो कहते ठीक है मुझे खानपुर की रेड लाइट पे उतार देना। तो मैं वहाँ से उतार के फिर मैं यहाँ आया हूँ। अभी मैंने लंच किया था और दोस्तों आज सुबह मैं निकला था 7:30 बजे और कल था दिन वैलेंटाइन का और कल जो मेरी अर्निंग हुई थी वो मैंने आपको कल की वीडियो में कल ही अपलोड कर दी थी और बताया था। मतलब कल काम अच्छा था और भी अच्छा हो सकता था बट कल वैलेंटाइन डे था तो फैमिली के साथ मतलब प्लान किया होता, आधे दिन ही काम किया था तो कल का काम मतलब मेरा जो हुआ था वो नेट अर्निंग 1000 रुपये तक की हो गई थी और आज जो काम अभी मेरा है 2:30 बजे तक का वो 1200 रुपये तक का काम हुआ है। ओला उबर दोनों में ही मैंने चलाई है ट्रिप और दोनों का काम मिला के 1200 रुपये हुआ है। तो अभी मैं आगे यहाँ पर निकलता हूँ साकेत सिलेक्ट सिटी मॉल, तो आगे की अर्निंग मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कितनी होती है। ठीक है ओके दोस्तों, और मैं आ चुका हूँ घर। अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं आ गया था 9 बजे तक और आज मैं आपको अर्निंग अपनी मतलब रास्ते में नहीं बता पाया और घर पे ही आके बताना पड़ा, जिसका यही कारण था कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। आज मेरा लास्ट ड्रॉप हुआ था नोएडा से आपका वसंत कुंज, वसंत कुंज से फिर मैं यहाँ घर तक खाली आया क्योंकि महिपालपुर में बहुत गंदा जाम, जो गुड़गांव से आता है पूरा ट्रैफिक रोक रखा था ट्रैफिक पुलिस ने, आई थिंक पीएम मोदी निकल रहे होंगे वहां से तो इसलिए इस वजह से पूरा ट्रैफिक रुका हुआ था। तो फिर मैं घर आ गया और आज काम जो था मोटा मोटा मतलब ठीक ठीक हुआ है। आज काम आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, उबर में काम हुआ है 1402 रुपये का और ओला में हुआ है 635 रुपये का। टोटल 2037 रुपये का काम है जिसमें मेरी 400 रुपये की CNG लगी है और 100 रुपये गाड़ी का मेंटेनेंस अगर हटाता हूँ तो मैं नेट अर्निंग मेरी 1537 रुपये की आज की हुई है दोस्तों। तो काफ़ी मेरे ड्राइवर भाई दोस्तों के कमेंट्स भी आ रहे थे मुझे और वो ये जानना चाह रहे थे कि अभी यूपी साइड में मतलब गाड़ी लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो मैं बता दूं अब इलेक्शन 2 चरण के कंप्लीट हो चुके हैं तो अब आप मतलब जैसे NCR में है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ तो आप इजीली जा सकते हो। मैं खुद आज मतलब राइड लेकर गया हूँ, मैं आज सेक्टर 45 गया था नोएडा, तो वहाँ कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। तो जो भी ड्राइवर है अब जाना चाहें तो जा सकते हैं, बस कोशिश यही करिएगा जिन एरिया में मतलब अभी इलेक्शन नहीं हुआ है उस एरिया में अवॉइड करिए जाना। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे मेरी लेटेस्ट डेली अर्निंग की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे, टिल देन बाय।